गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस पल्लवी फ्रॉम गोल्डन पब्लिक स्कूल। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड डे। टुडे इज आवर स्टोरी टाइम। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टोइस। दैट वॉज पार्ट वन। बट डू यू नो वॉट हैपन्स नेक्स्ट? यस, यू हैव मस्ट हर्ड अबाउट इट। But today I am going to tell you what happened after that race. Okay? One day, Law and held a conference again. Rabbit was very sad because he lost the race. So he wanted to challenge the tortoise again. So he went to Fox and said that I want to challenge tortoise again because मुझे लगता है कि वो मेरी गलती थी कि मैं सो गया। I thought it was my mistake and I don't want to make him win again and I want to hold the race again. फॉक्स कहता है तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम जीत जाओगे? कभी इस बार भी तुम सो गए तो? रैबिट ने कहा, नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। देखो, आज भी हम सब सबसे आगे हैं एंड टॉर्टोइस सबसे पीछे खड़ा है। ऐसा क्यों है? फॉक्स ने कहा। रैबिट ने कहा, तुम्हें पता तो है कि टॉर्टोइस जल्दी थक जाता है, इसलिए वो सबसे पीछे खड़ा हो जाता है। ओह, ऐसा है। चलो अब हम फिर ऐसा करते हैं, हम राजा जी के पास चलते हैं, मैं उनको सलाह देता हूँ और तुम भी अपना मैटर आज की कॉन्फ्रेंस में ही सर से डिस्कस कर लो। ओके? Then they went to Lion and Fox told him that Rabbit को लगता है कि वो ये रेस गलती से हार गया और उससे गलती हो गई, वो सो गया। अब राजा जी रैबिट चाहता है कि वो दोबारा रेस करे और वो फास्टेस्ट एनिमल का अवार्ड जीतना चाहता है। He wants to win the fastest animal of all. Rabbit रोना शुरू कर देता है। राजा जी प्लीज़ मुझे जीतने दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए, मैंने आपको निराश किया लेकिन अब मैं आपको निराश नहीं करूँगा, सच में राजा जी, प्लीज़ प्लीज़। लायन कहता है, ठीक है, चलो तुम सबको बताओ कि तो एक रेस अनाउंस कर रहे हो और तुम टॉर्टोइस को फिर से चैलेंज करो। देन रैबिट वेंट टू स्टेज एंड अनाउंस, आई वांट टू हेल्ड अ रेस अगेन विद टॉर्टोइस। टॉर्टोइस टोल्ड इट वाज अ रेस एंड देयर इज नथिंग टू सैड ऑफ। कोई भी जीत सकता है रेस। देखिए, दैट डे इट वॉज माई लक दैट आई वॉन द रेस, बट आई नो यू आर द फास्टेस्ट एनिमल इन द जंगल। बट रैबिट वॉज वेरी एंग्री विथ टॉर्टोइस। ही थॉट दैट टॉर्टोइस इज हिज एनिमी। वो टॉर्टोइस को अपना एनिमी समझने लगा था क्योंकि टॉर्टोइस ने उसको रेस में हरा दिया था। सो ही सैड, नहीं, रेस दोबारा होगी, मुझे दोबारा से रेस करनी है और मैं सबको दिखा दूंगा दैट आई एम द फास्टेस्ट एनिमल। यू आर नॉट द फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल एंड यू कैंट विन ओवर मी। Then
tortoise was very sad. He don't want to held a race. He thought that day was his luck. He won the race. वो जीत गया रेस, वो उसका लक था. उसने बहुत समझाया, सब एनिमल्स को समझाया, लेकिन everyone was with rabbit. They said that day rabbit has made a mistake and you won the race. But now rabbit is very confident. He must win the race. Then lion said, okay, now the day of the race will be decided and I want the race will be held in 10 days. You have 10 days to prepare for the race. Rabbit and tortoise both said, okay, sir. Then rabbit started preparing for the race. उसने क्या किया, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए उसने रैबिट बहुत सारी कैरेट्स खानी शुरू कर दी. स्टार्टेड टू ईट कैरेट्स मोर एंड मोर एंड मोर. देन ही वेंट टू हिज हाउस. उसका हाउस कहाँ होता है, उसका हाउस पेड़ के नीचे होता है. ओके, एंड ऑल अदर एनिमल्स स्टार्टेड टू फीड हिम. डॉग ऑल्सो केम एंड सैड, तुम ये बोन खा लो, तुम्हें बहुत एनर्जी मिलेगी. बोन खाने से बहुत एनर्जी मिलती है. लेकिन रैबिट कहता है, नो, मैं बोन नहीं खाता, मैं तो सिर्फ कैरेट खाता हूँ. तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरे लिए कैरेट ले आओ. देन All the animals started to give him more and more carrots and he started to eat more and more and more and he became obese. He thought that गाजर खाने से उसे एनर्जी मिलेगी. लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा. ले और वो हर टाइम खाता रहता था. फिर उसके पास फॉक्स आई. फॉक्स ने उससे कहा, रैबिट, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हर टाइम खाते रहते हो, तुम्हें पता है तुम कितने मोटे हो जाओगे और फिर तुमसे भागा नहीं जाएगा. रैबिट कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा. तुम्हें नहीं पता कि कैरेट खाने से एनर्जी मिलती है और मैं ये नहीं छोड़ूंगा. देखो, मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं हुआ. फॉक्स कहती है, तुम मोटे होते जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है. रैबिट कहता है, नो, और रैबिट सो जाता है. फिर फॉक्स टॉर्टोइस के घर आती है. टॉर्टोइस कहाँ रहता है, टॉर्टोइस, और देखता है टॉर्टोइस तो बिल्कुल अकेली है, अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा. तो वो कहता है, तुम, मेरे को पता है कि तुम भी बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ. टॉर्टोइस कहता है, थैंक यू फॉर बी विद मी, तुम मेरे साथ हो, ये मुझे कितनी खुशी देता है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, थैंक यू. और फिर धीरे 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 करके रेस का दिन भी आ जाता है. और रेस वाले दिन सारे एनिमल्स रेस ट्रैक बनाते हैं. दिस इज द रेस ट्रैक एंड रैबिट एंड टॉर्टोइस आर रेडी फॉर द रेस. बट रैबिट स्टार्टेड टू ईट कैरेट्स वंस अगेन. वो फिर से कैरेट्स खा लेता है. उसे लगता है उससे उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. अब रेस स्टार्ट होती है और रैबिट वेरी वेरी फास्ट स्टार्ट करता है, वेरी वेरी फास्ट. पर धीरे धीरे वो स्लो होता जाता है, स्लो होता जाता है और बेहोश हो जाता है. टॉर्टोइस ये देखता है और वो
सोचते ये क्या हुआ। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। और ये क्यों होता है? क्योंकि रैबिट बहुत मोटा हो जाता है, उसको ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? एक बीमारी होती है बेटा। ओबेसिटी से क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस हो जाते हो, खूब मोटे हो जाते हो और जल्दी थक जाते हो। अब रैबिट, जब रैबिट को टॉर्टर्स ऐसे देखता है, टॉर्टर्स धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, और यहाँ पर क्या देखता है? पॉन्ड। तो वो पॉन्ड से के पास आता है धीरे 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 धीरे, और पॉन्ड से पानी लेकर रैबिट के ऊपर डालता है, रैबिट के ऊपर डालता है, ऊपर डालता है। जब वो रैबिट के ऊपर पानी डालता है, रैबिट धीरे धीरे उठता है और टॉर्टोइस को थैंक यू बोलता है और कहता है, अब मैं और नहीं भाग सकता, मैं ये रेस नहीं जीत सकता, प्लीज़ तुम जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो, मैं नहीं भाग पाऊँगा, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आई डोंट हैव एनी एनर्जी। तो टॉर्टोइस कहता है, नो, हम फिनिश लाइन पर एक साथ पहुँचेंगे, हम दोनों एक साथ रेस ख़त्म करेंगे, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ और अब हम दोनों एक साथ रेस करेंगे। और टॉर्टोइस धीरे 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 रेस करता है और दोनों फिनिश लाइन पर एक साथ पहुंच जाते हैं और दोनों हमेशा के लिए फ्रेंड्स बन जाते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। जंगल में भी सारे एनिमल्स बहुत खुश होते हैं और सब कहते हैं, ऐसी रेस तो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। और लायन दोनों को फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल का अवार्ड देता है और रैबिट एंड टॉर्टोइस हमेशा के लिए फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? आपने सीखा, फ्रेंड्स आर बेटर देन एनिमल्स। हमेशा फ्रेंड्स बनाइए, किसी से को एनिमी नहीं बनाइए। फ्रेंड्स हमेशा आपकी हेल्प करते हैं और आप जब सबसे फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं तो सब आपके साथ रहते हैं। ओके, बाय।